हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सूरज और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट के बारे में जहाँ तक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इससे आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ इसके बारे में। आपने डायोड का नाम सुना होगा। डायोड में क्या होता है कि एक तरफ से करंट अगर फ्लो होता है तो दूसरी ओर करंट फ्लो होगा। ये डिपेंड करता है वहाँ पर कि सर्किट किस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए कि एक छोर है आपके पास, कोई एक छोर बना दिया गया आपके पास जिसमें कि आपने करंट इसमें दो तरीके से दिया, लेकिन करंट जो निकलेगा इसमें एक ही ओर से निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर से आपने करंट को फ्लो करवाया या यहाँ से आपने फ्लो करवाया तो इस ओर से निकलेगा, लेकिन अगर रिवर्स में तार को जोड़ दिया जाए, यानी कि इस ओर से तार को जोड़ दिया जाए और इस ओर से चाहेगा कि हम करंट को निकाल लें, तो करंट इधर से फ्लो नहीं होगा, केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। इसी सिद्धांत को जो लागू किया गया था वह लॉजिक गेट के द्वारा ही लागू किया गया था। लॉजिक गेट के सिद्धांत पर ही से लागू किया गया था। लॉजिक गेट जो काम करता है वो यस या नो पर काम करता है। यस या नो पर काम करेगा, यस और नो पर काम करता है लॉजिक गेट। और उस लॉजिक गेट में यस और नो के पे किस प्रकार से काम करता है उसे मैं समझाऊंगा। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉजिक गेट के कैटेगरीज को दिखाया मैंने इमेज के थ्रू, लेकिन मैं इसे जो समझाऊंगा अभी जो समझाने का प्रयास करूंगा, पहले सबसे पहले हम लॉजिक गेट का एक डेफिनेशन को आपके सामने में डिफाइन करते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट जो है एक युक्ति है जिसमें आप आउटपुट देते हो, तो आउटपुट जो देते हो वह इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वह इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इनपुट कैसे दिया। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, सभी में लगभग एक को छोड़कर यहाँ पर इसको ना देखा जाए, सिर्फ इसको देखा जाए, नॉट को, ये नॉट है। नॉट गेट में केवल और केवल एक इनपुट होता है तो एक आउटपुट ही होता है, लेकिन और बाद बाकी जितने भी गेट्स के सिंबल्स दिए हुए हैं उसमें दो इनपुट को और एक आउटपुट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को जो रिप्रेजेंट किया गया वो किस प्रकार से किया गया है उसको मैं आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखते जाइए। यहाँ देखेंगे हमने लॉजिक गेट के प्रकार को बांटा है, उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एंड गेट। एंड गेट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, तो उसके पहले सबसे पहले इसका सिंबल देखते हैं कि क्या है। इसमें सिंबल में ए और बी दो इसमें इनपुट है और एक आपका आउटपुट इसमें दिखाया गया है। तो ये आउटपुट जो वन दिखाया गया वो ए और बी दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये जो डिपेंड करेगा इसमें और का मतलब भी समझाना पड़ेगा कि एंड का मतलब ऐसे होता है और, यानी कि तथा, इसके ये होगा तो दूसरा भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि दो साथी हैं और किसी काम को करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि विवाह या जिसमें कि वर और वधू दोनों का काम होता है, तो उसी प्रकार से इसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। यह एक यूरोपियन चिन्ह है और इसमें दो आपको बता दिया कि इनपुट दो हैं ए और बी, और इसे ट्रुथ टेबल के द्वारा यानी कि इसे सत्य कैसे साबित किया जाएगा कि हमने जो बोला और ये वर्क जो करता है वो किसे किस प्रकार से इसको सत्य साबित किया जा सकता है। तो देखेंगे इनपुट में ए और बी दोनों में मैंने बताया था आपको कि यस या नो होगा, और यस और नो में क्या होता है कि यस को आप कहते हैं वन और नो को कहते हैं आप ज़ीरो। अर्थात अब जब आप ए में करंट दो, सपोज करो करंट के हिसाब से, या ए में आप इनपुट डालते हो तो, और बी में भी आप इनपुट के लिए ज़ीरो कुछ डालें, तो इसके बाद आपका जो आउटपुट होगा वह ज़ीरो ही होगा। अगर आपने इसमें आप ज़ीरो देते हो और इसमें आप वन देते हो, यस करते हो इसको और इसको नो करते हो, तो भी जो आपका आउटपुट होगा वो ज़ीरो होगा। यानी कि आपने एक में सिग्नल दिया दूसरे में सिग्नल नहीं दिया तो भी आपका जो आउटपुट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, आउटपुट जो है आपका ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दोनों में सिग्नल दिया है तब आपका जो आउटपुट होगा वो निकलेगा, यानी ट्रुथ टेबल के आधार पर इस प्रकार से समझा जा सकता है। अर्थात कि दोनों का इसमें काम पड़ेगा, दोनों मिलके इसमें काम करेंगे तभी जो है आपका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, अन्यथा रिजल्टेंट वैल्यू आपका कुछ नहीं आएगा। अब देखिए अगला है आपका और गेट। और गेट का मतलब ऐसे होता है या तो ये, सिंपल सा, या तो आप आए या तो हम आए। तो अगर आप समझिए इसको कि या तो ए है या तो बी है,
दोनों में से कोई होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। तो इसमें दो जो आपका इनपुट है वो प्लस के साइन में रहता है, और इसमें देखिए होइएगा ये इनटू के साइन में था यहाँ पर। तो इनटू में क्या होता है कि अगर जीरो को आप वन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्टेंट जीरो आने वाला है, लेकिन वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि यस को यस से, तो वहाँ पर यस ही आंसर आएगा। उसके साथ कंडीशन था, इसके साथ कंडीशन प्लस वाला रहता है, अर्थात अगर ये है और इसका वैल्यू अगर वन दिया हुआ है और इसका वैल्यू अगर जीरो है तो भी रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा वन। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर दोनों का ही वैल्यू क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, दोनों ही इनपुट पे हमने जीरो लिया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आपका जीरो। और एक में आपने जीरो और एक में वन लिया, यानी कि एक में आपने नो कर दिया और एक में यस कर दिया, तो भी आपका यस ही रिजल्टेंट होगा। और उसी जस्ट अपोजिट में आपने ए को दिया वन और बी जो है जो उसमें किसी भी प्रकार का इनपुट नहीं दिया, तो आउटपुट जो है आपका है वो भी आपका वन ही आएगा। लेकिन दोनों में अगर आपने क्या कर दिया, इनपुट दे दिया वन वन, तो भी आपका इनपुट वन ही आएगा वहाँ पर। तो ट्रुथ टेबल के आधार पे इस तरह से इसको समझा जा सकता है। आगे देखते हैं नॉट में, नॉट का स्पेशल सिंबल रहता है। इसमें देखिए हुए एक त्रिभुजाकार रहता है और केवल एक इसमें इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है नॉट में। नॉट को देखते हैं जस्ट अपोजिट रिएक्शन करता है ये, यानी कि आप जब इसमें करंट दोगे तो करंट नहीं आएगा, करंट के हिसाब से अगर समझे, यानी कि सिग्नल आप दोगे तो सिग्नल नहीं आएगा, जस्ट उल्टा है ये। आप सिग्नल नहीं दे रहे हो तो सिग्नल है, सिग्नल दोगे तो सिग्नल नहीं होगा, जस्ट इस तरह का ये काम करता है। जैसे कि इनपुट में, इसमें इनपुट में क्या दिया गया, जीरो, यानी कि आप कह रहा है इसको कि आप ये काम नहीं करो यानी कि नो, तो ये यस देता है। और ये क्या करता है, अगर आप इसको क्या कहने के लिए बोलते हो, ये कहते हो यस, तो ये करता है नो, यानी कि जस्ट अपोजिट चीज़ को ये फॉलो करता है, ये अपोजिट चीज़ को दे, ये डिजिटल सिग्नल जो है, या अगर आप यस देते हो तो वो नो करता है और नो दोगे तो यस करेगा, यानी कि डिजिटल सिग्नल को ये अपोजिट कर देता है। अब इसी के आधार पर जो है अलग अलग, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि एंड गेट होता है, तो एंड का अपोजिट क्या होगा, यानी कि एन अगर इसमें लगा दिया जाए तो इसका अपोजिट हो जाता है। तो इस यहाँ पर जो एंड का जो अपोजिट होता है वो नैंड गेट होता है, जिसके बारे में कि हम लोग पढ़ेंगे अब। तो नैंड गेट के बारे में जान लेते हैं, नैंड गेट के साथ क्या फंडा है। इसमें देखिएगा, देखेंगे कि दो इसमें भी इनपुट रहते हैं, दो इनपुट रहते हैं और एक आउटपुट रहता है, लेकिन इसका जो रिवर्स होगा, जो आंसर आप कल्पना करोगे वो आंसर नहीं आने वाला। यानी कि अगर आप एंड गेट को समझ लिए हो तो आप नैंड गेट को भी आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि इसमें देखिए हुइएगा आप कि जैसे रिजल्टेंट वैल्यू जीरो आया, रिजल्टेंट वैल्यू जीरो आया तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट गेट का भी कुछ पार्ट लगा हुआ रहता है, जस्ट इसका अपोजिट। यानी कि यहाँ पर अगर नो आंसर आया है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इसे देखते हैं, इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दोनों को अगर मल्टीप्लाई के टर्म्स में लिखा जाए, डॉट प्रोडक्ट के रूप में ए और बी को लिखा गया, उसके ऊपर बार दे दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो तो आना चाहिए जीरो, लेकिन ये दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू है जीरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आया, वन, क्योंकि इसके ऊपर क्या दिया हुआ, बार, जो कि इसका अपोजिट, जो कि उसका अपोजिट है। यानी कि नैंड गेट जो है वो एंड गेट का पूर्णतः अपोजिट है। रिजल्टेंट अगर जो है इसका जो रिजल्टेंट, इसको ना इग्नोर कर दिया जाए, इस चीज़ को इग्नोर किया जाए, तो रिजल्टेंट अगर वैल्यू आपका क्या आता है, रिजल्टेंट वैल्यू को अगर देखेंगे कि आपका रिजल्टेंट वैल्यू जैसे मान लीजिए कि जीरो आया तो वो हो जाएगा वन, टर्म में अगर वन आया तो उसका हो जाएगा जीरो। इसको इस तरह से देखेंगे यहाँ पर कि दोनों का दोनों वन था और रिजल्टेंट वैल्यू यस, यस और यस था यहाँ पर इनपुट में, तो आउटपुट में भी यस आया। लेकिन इसके साथ कंडीशन यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ये यस था, ये भी यस था, लेकिन ये क्या आ गया, नो आ गया, यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गया है। तो इस प्रकार से इसको समझते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट नॉर गेट का जो उल्टा होगा, जो और गेट है उसका उल्टा हो जाएगा नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होगा, जो जो आपका रिजल्टेंट वैल्यू आया था उसे देखेंगे और उस पर गौर करेंगे। आपका रिजल्टेंट वैल्यू यानी कि ये अगर आपका जीरो, यानी कि ये अगर आपका नो था, या यानी कि जीरो था और ये भी जीरो था, तो रिजल्टेंट वैल्यू आया था आपका जीरो।
लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका जो वैल्यू आएगा जस्ट उल्टा आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा, यानी कि इनपुट ये देगा या इनपुट नहीं देगा ऐसा नहीं है, यहाँ पर इनपुट देगा, सिग्नल्स को ये देगा, तो उसी सिग्नल्स को यहाँ पर काम किया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आता जीरो, यानी कि सिग्नल नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये नॉर गेट है और ये सिग्नल को देगा। उसके बाद ये दोनों मिलकर के सिग्नल को देना चाहिए था। अगर हम और गेट की बात करें तो और गेट का जस्ट अपोजिट है ये सिग्नल्स को नहीं देगा, क्योंकि यहाँ स्पेशल सिंबल देखिएगा यहाँ पर भी लग गया, ये यूरोपियन साइन है और ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं गेट के हिसाब से। आप लोग रेसिस्टेंस वगैरह देखे होंगे, उस हिसाब से भी इसको एडजस्ट किया जाता है और समझा जाने का प्रयास करता है। मैं आज आपको 5 गेट के बारे में बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं पूरी वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट को एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, तथा हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।